निरंतर जो समर्थन का दौर जारी है उसी क्रम में मैं सादर अनुरोध करूंगा माननीय अरुण जी से कि आज भारतीय जनता पार्टी और अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो प्रमुख हस्ती आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है उनके संदर्भ में माननीय अरुण सिंह जी संबोधित करें। मित्रों, भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, ऐसे विश्व की नंबर एक खिलाड़ी रही सायना नेहलवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां को समर्थन देते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आप ज्वाइन करने जा रही हैं। आपने 24 इंटरनेशनल टाइटल्स वॉन किए, 24 अंतर्राष्ट्रीय जो टाइटल्स है वह आपके नाम है। आप सब जानते हैं कि 2012 में लंदन ओलंपिक में आपने कांस्य पदक बैडमिंटन में प्राप्त किया और यह पहली बार ऐसा रहा भारत के इतिहास में कि बैडमिंटन के क्षेत्र में आप पहली महिला थी जिन्होंने भारत के नाम जो कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ में आपने गोल्ड मेडल भारत के लिए प्राप्त किया और एक महीने में 3 बार विश्व की प्रथम वरीयता वाली अकेली महिला थी। आपको श्री सायना नेहवाल जी को पद्मश्री पद्म विभूषण का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड भी आपको 2009 में उसके माध्यम से सम्मानित किया गया। भारत के कोने कोने के लोग आदरणीय सायना नेहवाल जी को जानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। खेल के जगत में आपका नाम देश के सभी लोग जानते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में कि खिलाड़ी सायना नेहवाल जी बैडमिंटन में विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। सबको आप पे गर्व है। आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को नीतियां के समर्थन करते हुए आज ज्वाइन करने वाली हैं, अभी कर रही हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पे आपको हम सदस्यता दे करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। इस अवसर पे चंद्रांशु नेहवाल जी भी, जिनकी सायना जी बड़ी बहन है, आज वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इधर है, अब इधर किसका है?
आप साइना नेहवाल जी की बड़ी सिस्टर हैं। चंद्रांशु नेहवाल जी। दोनों एक साथ आ जाइए। अब फोटो आइए। पीछे से हटते पीछे भी मेरा सादर अनुरोध होगा साइना जी से कि आपको संबोधित करें। पहले तो आज बहुत अच्छा दिन है, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइटल्स जीते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी हद तक अपने देश का नाम रोशन किया है, और आज मैं एक ऐसी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है जो देश के लिए इतना अच्छा करती है। मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे हार्ड वर्किंग पर्सन सब बहुत पसंद है, एंड आई कैन सी के नरेंद्र मोदी सर जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और कंट्री को देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके साथ मैं कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा, और मेरे लिए सब कुछ नया है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लगता है पॉलिटिक्स में नॉलेज रखना और देखना, और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं नरेंद्र सर ने हमारे जो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा कर रखा है, खेलो इंडिया जो ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे काफ़ी हद तक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी जीते हैं उनको बड़े बड़े अकेडमीज़ में ज्वाइन होने का मौका मिलता है और अपने नेशनल्स और कंट्री के लिए खेलने के लिए मौका मिलता है। तो अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है नरेंद्र सर से, एंड आई होप कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं अपनी कंट्री के लिए, और मैं पूरी ट्राई करूंगी, एंड आई एम थैंकफुल टू भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने मुझे आज इतना बड़ा ऑनर दिया है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अच्छा कर सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं। जी थैंक यू। Well, you were listening to Saina Nehwal, badminton champion, Commonwealth gold medalist and Olympic bronze medalist, who has now decided to take the political plunge and join the Bharatiya Janata Party. There she was being welcomed and formally, officially named a member of the BJP.